हरिओम स्माइल्स। मोनिका दी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दीदी, आपको आपको जानकर ये खुशी होगी, हम लोग ने 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना रखा है और जो अब तक आपने पढ़ाया है हम वो सब डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं। जो मार्च से हम लोग 2-3 जन जुड़े हुए हैं, मार्च के महीने से हम जो अब नए जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा क्लियर करते हैं। और हम लोग ने जो लिख लिख के रखा है, दिल्ली से भी है रेखा, कलकत्ता से सीमा, जो पुराने लोग हैं इन लोगों ने अब नए लोगों को हम लोग समझाते हैं, ड्रॉ करके रखा है, लिख के रखा है, वो सारा कुछ हम लोग जिसके भी कोई क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो मैं ये देखती हूँ अभी जो मेरे फ्रेंड्स और जो फैमिली के जो लोग थे जिनसे घंटों घंटों इसकी उसकी बुराई करने में बीतता था, आज उनके साथ मेरा टॉपिक ही चेंज हो गया है। और इससे खुद को भी अच्छा लगता था। पहले क्या होता था, कोई अपनी जैसे बुराई करके गया तो वो तो हम तो डस्टबिन, हमको तो डस्टबिन समझा, अपना कचरा फेंका और वो तो चला गया, उसने मन खाली कर लिया अपना क्योंकि मैं उसके खास फ्रेंड हूँ। लेकिन इसके बाद जब अपने माइंड में, क्योंकि सब ना अलग अलग तरीका से लेते हैं, तो मेरा जो नेचर था, मेरे माथे में फिर वही बात घूमती रहती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाने को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि मुझको उसके पिक्चर में कोई मतलब नहीं, उसके पिक्चर में कोई सीन में मैं हूँ ही नहीं, लेकिन अपने जजमेंट करने का एक नेचर सा बन गया था। लेकिन अब जब सब जुड़ गए हैं तो वही लोग फ़ोन करते हैं और डिस्कशन ही कुछ और होता है, आध्यात्मिक का होता है, मेडिटेशन का होता है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आसपास के जितने फैमिली, पड़ोसी अड़ोसी, जितने फ्रेंड्स, जितने भी जो बहनें भाभियाँ जो भी हैं, आप कोशिश करो कि वो स्माइल से जुड़ जाए। इससे आप ही को फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई आपके अंदर गंद फेंकेगा नहीं, क्योंकि उस आप सुनोगे ही नहीं। अगर आप सुनोगे नहीं, हम सुनते हैं इंटरेस्ट लेके, फिर अपने अंदर भी कुरेद कुरेद के निकालते हैं कहाँ पे मेरे अंदर भी, मेरे घर वालों के अंदर भी कहाँ कमी है। तो इन सब चीज़ों से अपने बच सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलूँगी मोनिका दी, आपको लाख लाख बार थैंक यू। और अगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगी, अगर आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है तो प्लीज़ कुछ दिन और रेस्ट कीजिए, हम वेट करेंगे और आपकी आपने जो पढ़ाया है उन सब चीज़ को हम लोग और रिवाइज करेंगे। प्लीज़ आप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप प्लीज़ 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 रेस्ट कीजिए। आप सुबह का करा रहे हो यही हमारे लिए बहुत है, उसका भी शुक्राना। और आपने हमें हमारे गुरु से जोड़ के रखा है, इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती है। और एक बात दोस्तों, कल एक वीडियो शेयर हुआ था, उसको मैं ज़रा क्लियर कर देती हूँ कि भगवान जब आपके जीवन में कोई तूफान भेजता है तो वो किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी अच्छी चीज़ से जोड़ने के लिए भेजता है। जब आकृति की मम्मी, जो कल जो वीडियो शेयर हुआ था, आकृति की मम्मी इतना रोना धोना कर रही थी उस समय, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया था कि उनकी लड़की के अगर आँखों में ये प्रॉब्लम हो, किसी के साथ भी हो सकता है, अगर ये प्रॉब्लम हो तो नेचुरल है कि नॉर्मल पर्सन वो रोएगी, लेकिन शायद परमात्मा को उनको स्माइल से जोड़ना था तो उसको ये हालतें तो भेज दी थी, और उनको स्माइल से जोड़ा और अब उनके अंदर इतना, एक महीना क्लास करके उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना विश्वास आ गया कि अभी एक महीना पहले उनकी बेटी का MRI की फिर से चेकिंग होने वाली थी और MRI करानी थी, वो बिल्कुल भी टेंस नहीं थी। और वो उस दिन बार बार यही बोल रही थी कि परफेक्ट आएगी, एकदम रिपोर्ट एकदम परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और उनके विश्वास का यही, और उसका विश्वास किसने, विश्वास जगाया किसने, उनके अंदर था तो सही लेकिन कुरेदा किसने, स्माइल ग्रुप के मेंबरों ने अपनी अपनी अनुभव बता के, तो उन्होंने विश्वास इतना रखा और अपने मन में इमेजिन किया कि परफेक्ट रिपोर्ट आएगी। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि उस बच्ची की रिपोर्ट में सिर्फ माइग्रेन आया, सोच सकते हो, जिसका ऑपरेशन होने की बात हो उसकी रिपोर्ट में सिर्फ माइग्रेन आए, तो ये मिरेकली तो है। तो अपने को पूर्ण विश्वास के साथ इस पर चलना है, पूरा विश्वास करना है। मोनिका दी, भगवान जब, अच्छा ठीक है, आप सोचिए, भगवान जब, समझो भगवान आएगा और अपने कृष्ण को बोलते हैं तो बांसुरी और मुकुट वगैरह लेके आएगा, तो अपने उसको अंदर घुसाएंगे क्या, अपने बाहर से धक्का मार देंगे, नहीं नहीं ये 2 रुपया है, या फिर 1-2 रुपया दे के उसको विदा कर देंगे। लेकिन हमारे बीच में ही मोनिका दी मसीहा बन के आई हैं,
क्योंकि हम अगर वो मुकुट और ये सब लगा के आती तो शायद हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। और ये हम वो हमें याद दिलाने आई है कि हमारे अंदर कितनी क्या क्या है, क्या क्या छुपा हुआ है, हमें अपने परम से जोड़ने आई हैं। तो अपने प्लीज़ 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 इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझें। और जब अपने लोग जब सेशन चलता है तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि लैपटॉप पे अगर बैठती हूँ तो मुझे दिखता है कोई चाय पी रहा है, कोई लेटा हुआ है, तो ना बहुत ऐसा लगता है कि क्या हम मंदिर में जाके ऐसा कर सकते हैं? जब भगवान की बातें चल रही हैं या अच्छी बातें चल रही हैं, वो मंदिर जैसा ही तो है, उस समय प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ता है। इससे स्माइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मैं स्माइल की मैम, मैं स्माइल के कोई एंजल वंजल में नहीं हूँ जो ऐसे मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ। और ना स्माइल के ग्रुप ने मुझे कुछ बोला है बोलने के लिए, मेरे खुद के अंदर के भाव हैं। तो प्लीज़ आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको मिरेकल पता चलेगा। उस दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स बात कर रहे थे, तो एक फ्रेंड मेरी बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोल रहे हैं, जो अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो झूठ तो नहीं? तो फिर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं पुरानी हूँ, तो मैंने उसको क्लियर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे शक तो होना स्वाभाविक है, शक तो होगा ही, इंसान को अगर शक ना हो तो अपने विश्वास कैसे होगा। मैंने कहा मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि कहीं उसका हो रहा है तो मेरा क्या नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं मेरी स्क्रिप्ट ऐसी है जो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा, होगा सबके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी इमेज को, आपके भाव को, आपकी प्रकृति को ठीक करते हैं, आपके ही थॉट्स। तो किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, किसी को थोड़ा कम लगता है, लेकिन होगा सबके साथ ज़रूर। तो आप लोग भी सब कुछ विश्वास के साथ कीजिए, ज़रूर ज़रूर, जब उसके साथ हो सकता है तो अपने साथ क्यों नहीं, अपने साथ तो ज़्यादा हो सकता है, बस मुझे पूरा विश्वास रखना है। थैंक यू उन स्माइल्स के एंजल्स को, जो सच में हम बचपन में परी 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 पढ़ते थे और अब परियों को सच में देखते हैं, कैसे कितना एनी टाइम तैयार रहती हैं आंसर देने के लिए। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और नतमस्तक होती हूँ। मोनिका दी, प्लीज़ आप अपने आप की केयर लीजिए। एक बात और, अभी एक बात और याद आ रही है, किसी ने ये भी बोला, अरे मोनिका जी के भी गले में प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो सब बोलती हैं ऐसे करो ऐसे करो। तो मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, तो उनको विवेकानंद ने पूछा, आप तो काली माता से डायरेक्ट बात करते हैं, माँ आती है और आप बात करते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं ठीक करने के लिए? तो उन्होंने बोला कि अगर माँ ने कुछ गलत किया है तो मैं उनको ठीक करने के लिए बोलूँ, क्योंकि भगवान कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। तो मोनिका दी भी अपने जैसे देह में तो है ही, लेकिन हमें जगा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और गले की प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगी, अपने वाइब्रेशन अपने अच्छे रखेंगे। और मोनिका दी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हरिओम।